इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो और लॉगिन करते ही आपके सामने आ जाता है अपील वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से, और कई केसेस में लर्न मोर वाला भी ऑप्शन आपको दिख सकता है। और ऐसे में अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, आप उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और आपको मेरी हेल्प चाहिए ताकि मैं आपके अकाउंट को रिकवर करके आपको दूँ, तो बहुत ही सिंपल है। कॉल मी फॉर ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और उसमें आप ट्रिकी अजीम मेरी आईडी सर्च करोगे, टॉप पर आ जाएगी मेरी आईडी और आप इस पर क्लिक करके ऑडियो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो और मैं आपको आपकी आईडी रिकवर करके दूंगा 110%। अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आप खुद से अपने अकाउंट को रिकवर कर लो और लर्न मोर और अपील वाले झमेले से, झंझट से आप छुटकारा पा लो, अपने अकाउंट को रिकवर कर लो, तो कुछ नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा और उसे आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देख लो, अगर आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, गूगल क्रोम ओपन कर लो या फिर कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद भाई साहब यहाँ पर आपने सर्च करना है Instagram लर्न मोर अबाउट योर अकाउंट यहाँ पर, या फिर आप सर्च कर सकते हो Instagram लर्न मोर। आप ये तीन वर्ड सर्च करोगे तो भी आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पर भाई साहब आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको Facebook का लोगो वाला एक लिंक मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो लिंक है Facebook का लोगो आप ज़रूर देख लेना और इसी लिंक पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहला फॉर्म है ये और इसे आपने क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पर भाई साहब आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेट अस नो, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू आइकॉन में आपको नज़र आएगा लेट अस नो, इस पर आपने क्लिक करना। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फॉर्म एक तरीके से ओपन हो जाएगा, जहाँ पर भाई साहब आपसे मांगा जाएगा आपका फुल नेम, यूज़र नेम और आपका मांगा जाएगा एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स है भाई साहब, बॉक्स में आपने क्या फिलअप करना है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो। और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपको देना है। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपने करना है बैक। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अकाउंट सेक्सुअल कंटेंट की वजह से डिसेबल नहीं हुआ है तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, बेफिक्र रहना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, वाज दिस यूजफुल, नो करना। नो करने के बाद सेकंड ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है दिस सॉल्यूशन डजंट वर्क, एंड देन ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स में भी आपने वही चीज़ फिलअप करनी है जो आपने फर्स्ट वाले बॉक्स में फिलअप किया था। और ये भी आपको आगे पता चल जाएगा क्या लिखना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। ये फर्स्ट फॉर्म को फिलअप करने के बाद सेकंड वाले फॉर्म पे फिलअप करना है, उस पर क्लिक करोगे, सेकंड लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पर भाई साहब आपसे पूछा जाता है कि आपका जो अकाउंट डिसेबल हुआ है क्या वो बिजनेस अकाउंट था, अगर था तो यस करना है, अगर नहीं था तो फिर नो करना है। लेकिन अगर वो भाई बिजनेस अकाउंट है तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए कही जाएगी, जैसे कि यहाँ पे टैक्स फिलिंग है, इनवॉइस है, आपका लोकल बिजनेस लाइसेंस है वगैरह वगैरह, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस अकाउंट नहीं था तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ आप फुल नेम और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और आपकी कंट्री देकर सेंड कर सकते हो। अगर बिजनेस अकाउंट है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर बिजनेस अकाउंट नहीं था तो आपका रिकवरी प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा और आपका अकाउंट भी रिकवर बहुत जल्द हो जाएगा। ये दो फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपका अकाउंट रिकवर होगा और ये मैक्सिमम 7 to 10 days तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। और जो ईमेल एड्रेस आप दोगे उस पर ही आपसे इंस्टाग्राम जो है कि जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, तो उस ईमेल एड्रेस का भी एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, कोई इश्यू हो तो यार आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, और कॉल का प्रोसेस आपको बता दिया है।